सर आंसर किया गया, उसका क्या हुआ? हाँ वही मैं चेक कर रहा था। देखो अभी जस्ट अभी ये खोला हुआ है मैंने डेस्कटॉप, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आंसर की नहीं आ रही है, पागल बना रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना सारी चीजों को ताकि आपको पता चल जाए। देखो लैपटॉप पे खुला हुआ है, वही लिंक है, मैं जैसे ही लॉग इन करता हूँ ऐसे ही आपके साथ आ रहा होगा। देखो इस तरीके से ही आपके साथ आ रहा होगा, यानी जो पर्सनल डिटेल्स है हमारी वही शो कर रही है, ठीक है? तो इस तरीके से आपके सामने आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा वेट करना है आपको। देखो मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल प्लस यू करेंगे आप तो देखो इस प्रकार से आपके साथ आएगा, ये आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे पहले इसको एक बार रिफ्रेश करना है, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो कंटिन्यू करना है, यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे, देखो इस तरीके से ये आ गया है। तो ये कुछ कोड आ जाएंगे इसमें जिस तरीके से ये आ रहे हैं। तो यहां से कंट्रोल प्लस फाइंड मैं करता हूं तो देखो SSC.D आप लिखेंगे, यहां पर SSC.D लिखेंगे तो जस्ट आपके सामने इस तरीके से लिंक जनरेट होगा। लेकिन यहां पर आप देखिए, कैमरामैन से बोलूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखाइए, यहां पर आप देखेंगे तो ये फेल दिखा रहा है, इस साइड दिखाइए, ये देखो ये फेल दिखा रहा है अभी, यानी जो लिंक है वो अभी इन्होंने खुद ही अपडेट नहीं किया है। आगे जब तक यहां पर HTML नहीं आ जाएगा तब तक ये ओपन नहीं होगा। यहां से देखो ये फोटो दिखा देगा, ये फोटो दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाइए, ये फोटो लिख रहा है यहां पर, और नीचे देखो सिग्नेचर दिखा रहा होगा, यहां देखो ये सिग्नेचर दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहां से सिर्फ आपका फोटो आएगा, सिग्नेचर आएगा, लेकिन जो आंसर की का लिंक है वो यहां से जब ये आपका JPG लिखा हुआ है, मैं जूम कर दिखाता हूं इस पर, रुकिए, ये जो JPG लिखा हुआ है यहां पर, जब तक ये HTML नहीं हो जाएगा तब तक आप यहां से ओपन नहीं कर पाएंगे। तो ओपन करने का तरीका यही है, ठीक है मेरे भाई? तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं पहले भी ऐसा हुआ था 2022 के अंदर जब मैंने एग्जाम पास किया था, बहुत सारे बच्चों को पता ही है, जो पहले वाले हैं उनको पता होगा ऑब्वियसली, अगर उन्होंने आंसर की चेक की होगी इस तरीके से तो पहले आपके यहां पर इस तरीके से खुलेगी। लेकिन ये अभी देखो मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूं तो ये कॉपी, यहां से कॉपी तो हो जाएगा लेकिन जब नई इसको नई साइट पे खोलेंगे ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, खाली इनका जो है फोटो यहां पर आएगा। मैं एक बार दिखाता हूं यहां पर फोटो कैसे आ रहा है, देखिए यहां से ये मैंने सर्च पूरा किया कॉपी, और देखो यहां तक JPEG तक कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है? कॉपी करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, पहले कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया मैंने, उसके बाद नई साइट पे खोलने के जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं, यहां पर देखिए गूगल पे जाता हूं और यहां पर मैंने इसको कंट्रोल प्लस सी बी किया, पेस्ट किया, देखो यहां से इनका फोटो आ जाएगा, देखो ये आ गया, इन भाई का फोटो आ गया है, देखो। तो अभी यहां से सिर्फ फोटो आ रहा है, उस वाले ऑप्शन से सिग्नेचर आ जाएगा, तो दूसरा वाला था जैसे मैं आपको दिखा रहा था नीचे वाले से सिग्नेचर, यहां से सिग्नेचर आ जाएगा ये इस तरीके से। तो अब ऐसा हो रहा है कि यहां पर देखो फिलहाल दोस्तों ये आपका 2024 का ही है, 2024 का ही है, जो बच्चे बोल रहे थे कि 2024 का नहीं है तो ये 2024 का ही है, ठीक है? ये देखो ये लिखा हुआ है GD 2024, ठीक है? तो ये आपकी आंसर की है, बस कुछ अपडेट के बाद यहां पर जब HTML हो जाएगा JPG की तरह तो आपकी आंसर की खुल जाएगी। बस इतना ही था, तो सारी बातें मैं आप सभी को बता रहा हूं, ठीक है? तो आप सभी को मेरे भाई समझ में आ रही होंगी कि मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा हूं। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में, थैंक यू।